नमस्कार, राज को समर्पित ओटीटी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ रोशनी सिंह। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में उस समय हड़कंप मच गया जब बांद्रा स्थित एक इमारत का हिस्सा भरभरा कर गिर गया। जी हाँ, 4 मंजिल इमारत के गिरने से हुए हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, वहीं 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें तुरंत मलबे से निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गए और हादसे में शामिल लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल भेज दिया। आपको बता दें कि ये मामला मुंबई के बांद्रा का है। यहाँ खेरवाड़ी रोड इलाके में सोमवार की सुबह एक 4 मंजिला इमारत की दीवार गिर गई, जिसके बाद मलबे में 17 लोग दब गए। हादसे के बाद लोगों में भगदड़ मच गया। स्थानीय निवासियों की मदद से मलबे में दबे लोगों को समय पर ही निकाल लिया गया। जी हाँ, आपको बता दें कि वहीं पुलिस को हादसे की सूचना दी गई। साथ ही वहीं कांग्रेस विधायक जिशान सिद्दीकी ने भी घटना स्थल पर पहुंचे। आपको बता दें कि अभी भी मलबे में दबे लोगों को निकालने और राहत बचाव कार्य जारी है। आशंका ये जताई जा रही है कि कुछ और लोग भी मलबे में दबे हुए हैं। फिलहाल 17 लोगों को बचाया जा चुका है, जिसमें 5 की हालत गंभीर है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि इसके साथ ही एक शव भी मलबे में से निकाला गया है। वहीं मरने वाले का नाम रियाज अहमद बताया जा रहा है। घायलों में नूरल हक, हैदर अली सैयद, सलमान अतीक खान, राहुल मोहन खेतू और लता मोहन खेत के नाम शामिल हैं। वहीं इस घटना को लेकर विधायक सिद्दीकी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि मुंबई नगर निगम यानी कि BMC को हादसे की जानकारी देते हुए घटनास्थल पर 3 लोगों को भेजने का अनुरोध किया था, लेकिन अभी तक केवल 2 कर्मचारी ही पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि BMC की देरी की वजह से स्थानीय लोगों की मदद से ही राहत बचाव कार्य हो रहा है। आज की खास खबर में बस इतना ही। आगे भी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए OTT इंडिया। रग रग में हिंदुस्तान।